और दोस्तों ये जो पहली खबर है ये मैं कहूँगा इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम लॉरेंस टेस्लर था, इनका आज निधन हो गया। लेकिन पता है क्यों मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में? क्योंकि उन्होंने कट कॉपी पेस्ट फाइंड रिप्लेस जैसी जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो फीचर है ये इन्होंने फाइंड किया था, इसकी खोज इन्होंने की थी। सोचिए ये चीज़ें कट कॉपी पेस्ट नहीं होती वर्ड में इंटरनेट के ऊपर तो क्या होता। दोस्तों आपके जो पावर अडाप्टर्स हैं, जी हाँ, आजकल ये फास्ट चार्जर्स आप देखते हो, वार्प चार्जर, डैश चार्जर, इतने बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही जल्दी ये जो पावर अडाप्टर्स हैं ये छोटे हो जाएंगे। सिर्फ स्मार्टफोन्स के ही नहीं, लैपटॉप्स के वगैरह आपने देखे हैं पावर अडाप्टर्स कितने बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि अब Xiaomi, Oppo, Huawei, Samsung ये सभी लोग GaN टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। GaN यानी गैलियम नाइट्राइड, जिसके ऊपर ये पावर अडाप्टर्स बेस्ड होंगे। जो ये टेक्नोलॉजी की वजह से आपके जो पावर अडाप्टर्स हैं वो एफिशिएंट तो होंगे ही, लेकिन कुछ 48% से, मतलब हाफ द साइज में बन जाएंगे आपके पावर अडाप्टर्स। तो ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और दोस्तों iPhone SE 2, iPhone 9 इसका एक वीडियो, हैंड्स ऑन वीडियो आ गया है, और वो वीडियो देख के मैंने कहा ये 2020 है या 2015 है, मतलब 5 साल पुराने जैसे फ़ोन दिखते थे वैसे ये iPhone 9 दिख रहा है। छोटी स्क्रीन का है बट वो ऊपर और नीचे बड़े बड़े बेजल्स हैं, मतलब सीरियसली 6-7 सालों पहले के जो फोन्स थे उनकी याद आती है, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली। या जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, कैसा भी दिखने दीजिए ये A13 प्रोसेसर पे है जो आजकल 2020 के फ्लैगशिप्स को भी बीट करेगा। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैक एंड टेक न्यूज नंबर 653। और अगर नए हो तो एक चीज करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और आज का जो वीडियो है दोस्तों वो जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने आपको बताया आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसकी लाइफ डबल कैसी करनी है, कैसे इंक्रीज करनी है आपकी बैटरी लाइफ, एंड दिस इज 2020 टिप्स, बहुत सारी नई चीजें बताई हैं, जरूर देखिए। Android R, Android 11 का पहला डेवलपर प्रीव्यू आ गया है, जी हाँ, ये Android 10 का सक्सेसर है, एंड इसके ऊपर भी आज वीडियो किया हुआ है। जो पहले डेवलपर प्रीव्यू में नए नए फीचर्स हमें दिखे हैं वो मैंने बताए हुए हैं, जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना था, Android R इसका स्वीट का नाम क्या होना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉइड 10 में कोई स्वीट का नाम नहीं था, जैसे किटकैट, लॉलीपॉप वगैरह हुआ करते थे, वैसे नहीं था एंड्रॉइड 11 या फिर एंड्रॉइड आर में होना चाहिए। आपको क्या लगता है आर का नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे रसगुल्ला क्या लगता है आपको, एंड्रॉइड रसगुल्ला? और दोस्तों टेक्नो ने लॉन्च कर दिया है टेक्नो कैमॉन 15 एंड कैमॉन 15 प्रो। यस, एक पंचोल वाला है जो 10,000 का है, 9999 का है, और इनका जो पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला है वो है 14999 यानी 15,000 का। P35 इस प्रोसेसर पे आता है, 5000 mAh बैटरी 15 में आती है, 15 प्रो में 4000 mAh की बैटरी आती है, 15 में 4GB 64GB स्टोरेज आता है, वेरेज दिस वन हैज गॉट 6GB 128GB 6.55 इंच की FHD प्लस स्क्रीन आती है प्रो में, नॉर्मल वेरिएंट में HD प्लस स्क्रीन आती है। देखेंगे, हमारे पास आए नहीं है, आएगा तब देखेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। वैसे क्या लगता है इस प्राइस के बारे में? टेक्नो कैमॉन उतर गया है 15,000 की रेंज में, Do you think people will buy techno phones at 15,000? और दोस्तों LG ने लॉन्च कर दिया है W10 Alpha, कुछ 6-8 महीने पहले उनका W30 आया था, ये उसका नीचे वाला वेरिएंट है W10 Alpha। इसमें Unisoc 9863 प्रोसेसर आता है, 3GB RAM, 32GB स्टोरेज है, 5.7 इंच की स्क्रीन है, एंड प्राइस है 9999, 10,000 के नीचे है, ठीक ठाक है, वाटर ड्रॉप नॉच वगैरह है, ओके है, लेकिन इस 10,000 की प्राइस रेंज में आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है, इतना ज़रूर है। हाँ दोस्तों, कल मैंने बताया था जेड फ्लिप आज प्री ऑर्डर पे चला गया है, इनफैक्ट प्राइस आज अनाउंस होने वाली थी और हो गई है, मुझे लगा था 1,00,000 के नीचे आएगा, नहीं दोस्तों 10,999 ऐसे प्राइस आई, इसका मतलब 1,10,000 का होने वाला है। वैसे ड्यूरेबिलिटी के मामले में जेड फ्लिप पे ज़बरदस्त सवाल ज़रूर है। हाँ दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि वीवो का भी स्मार्ट वॉच बहुत ही जल्दी आ गया है, यूरोपियन का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन EU IPO, इसके ऊपर वो लिस्ट हो गया है वीवो वॉच के नाम से। सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स अब स्मार्ट वॉच और बैंड्स में उतर रहे हैं, एंड वीवो वॉच या फिर वीवो इज नो डिफरेंट। और दोस्तों आज ये जो खबर आई है, चलिए बात करते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में, और ये जो खबर है स्पेसिफिकली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत यूजफुल भी लगी। Xiaomi ने पेटेंट कर दिया है 2-in-1,
स्टोरेज मतलब मेमोरी कार्ड एंड सिम कार्ड। जी हाँ, 6-8 महीनों पहले पिछले साल मैंने ये बताया था कि एक दूसरी कंपनी ने किया था, लेकिन अब शाओमी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो उतर गया है और पेटेंट के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है। सोचिए आपका सिम कार्ड विथ स्टोरेज इन इट, दैट विल बी रेवोल्यूशनरी। मुझे सिर्फ देखना है कि जब आएगा तो क्या करने वाले, कैसे सिम कार्ड उसके ऊपर डालेंगे शाओमी का। और हाँ दोस्तों, शाओमी ने आज अनाउंस कर दिया है मी इलेक्ट्रिक टूथब्रश। जी हाँ, इसमें जो है एक इलेक्ट्रिक मोटर है, मैग्नेटिक लेविटेट होती है, मैग्नेटिकली लेविटेट होती है, एंड 1299 का है। क्राउड फंडिंग साइट पे चला गया है, नॉर्मल जब आएगा mi.com साइट के ऊपर तो उसकी प्राइस होगी 1599, मतलब 1600 रुपये का होगा। सोचिए, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, यस योर डेंटिस्ट, ऐसे शाओमी। और दोस्तों, रेडमी K30 Pro, इसके बारे में बताया था कि दो वेरिएंट्स आने वाले हैं, आज 3C वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हो गया है। और एक चीज सामने आ गई है, इसमें 33 वैट का फास्ट चार्जिंग होने वाला है। साथ में दोस्तों, स्लैश लीक के ऊपर इसके इमेजेस भी लीक हो गए हैं, जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि आगे की तरफ पॉपअप सेल्फी होने वाला है, और उस आगे की तरफ पॉपअप सेल्फी में दो कैमराज हैं, मतलब डुअल पॉपअप सेल्फी होने वाला है। इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों। आई रियली डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू बी पोको F2, रेडमी K30, रेडमी K30 4G, 5G, जब आएगा डिटेल सब कुछ देते रहेंगे हर रोज। और फाइनली X50 Pro जो मंडे को लॉन्च हो रहा है, इसकी प्राइस लीक हो गई है। मैं विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन जो लोग हैं, कंपनी ऑफिशियल्स, कहा हुआ है मीडिया ने कि भाई ये जो कंपनी ऑफिशियल्स है वो कह रहे हैं कि X50 Pro की प्राइस होने वाली है अराउंड 50,000 रुपए। 50,000, थिंक अबाउट इट, रियलमी फोन फॉर 50,000, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये अराउंड 40-45 के करीब होगा, बट 50,000 अगर होता है तो इट इज फार टू। चलिए दोस्तों, टेक न्यूज होती है खत्म, लेकिन अगर आपको कुछ डील्स ऑफर्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा। एंड नाउ टाइम फॉर ट्रैक एंड टेक ट्रेजर हंट। जी हाँ, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में, इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे, अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में, #TTDS डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है कुमार सौरभ, कांग्रेचुलेशंस कुमार जी। भेज दीजिए आपका पेटीएम का ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं, सिद्धाना लोकेश, शिवेश कुमार, रोहित थापा। कांग्रेचुलेशंस, क्या जबरदस्त कमेंट्स डाले, ये कमेंट्स पढ़ के इतना अच्छा लगता है दोस्तों। ऐसे ही कमेंट्स डालते रहिए, ऐसे ही हम कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, आपका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैक एंड टेक न्यूज एपिसोड नंबर 653 खत्म होती है। इधर ही अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।